अस्सलाम वालेकुम, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको देवगढ़ का पार्ट टू यानी मार्केट का थोड़ा सा व्लॉग देखने मिलेगा। और मेरे आंटी यानी मेरी फुप्पियाँ जो कि मेरे पप्पा की बहन के घर पे मैं गई थी, उन लोग देवगढ़ में ही रहते हैं। मेरे दो फुप्पी, एक जो है किले पे रहती है और एक मलई, जो कि देवगढ़ में दो एरिया है गाँव में। तो हम वहाँ से जा रहे थे तो सुबह में फ्रेश जो है देवगढ़ के फोर्ट से एकदम ताज़ी ताज़ी मच्छी अर्ली मॉर्निंग में हमें देखने मिली, जो कि सेल किया जा रहा था। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बाइक पे से उतर के जल्दी से शूटिंग कर लिए। और क्योंकि मैं एक सी फूड लवर हूँ, अगर आप मुझे सी फूड का जो भी जितने आइटम दोगे मैं बहुत शौक से खाऊंगी। मटन चिकन से ज़्यादा मुझे सी फूड बहुत पसंद है, तो ये वही सब देख कर मुझसे रहा नहीं गया। और फिर मैंने उसमें से कुछ जो है बॉम्बे में नहीं मिलती ऐसी फ़िश, सौंदाले करके, ये जो आपको छोटी दिख रही है शाइनिंग वाली सिल्वर में, ये बहुत ही टेस्टी होती है। गांव की सौंदाले फ़िश है ये, इसका नाम सौंदाले है। तो ये मैंने ले ली थी, बाकी सब तो ये मैंने खाई हूँ। ये चांद पापलेट है, तो कुछ सुरमई के बच्चे है, बांगड़े है और प्रॉन्स थे। तो ये सब देखिए, वहाँ की जो है औरतें फोर्ट पे से मच्छियाँ ला के ऐसा रास्ते पे बेचती है। और ये है जो सिप्पियाँ सी फूड की, जो है बहुत ही टेस्टी जो चीज़ है, तसरा बोलते हैं इसको गांव के लैंग्वेज में, तसरी। और यहाँ पे इसको जो है शेल कहा जाता है इंग्लिश में। तो वो बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें बहुत सारे कैल्शियम वगैरह भी होते हैं। इसी के ही जो बड़ी बड़ी जात होती है उसमें पर्ल बनता है, तो मैं वही देख रही थी। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक जो तसरा होते हैं और एक मोड़े। तो तसरी बहुत टेस्टी होती है और थोड़ी कॉस्टली होती है। तो ये जो है वहाँ की लेडीज़ होटल के लिए दे रही थी, तो उससे मैंने भी थोड़ा ख़रीद ली। और फिर उसके बाद मैं घर पे आई तो यहाँ पे ये जो मेरे आंटी का घर है यानी मेरे पप्पा की बहन, सबसे बड़ी बहन है जो किले पे रहती है, वहाँ पे उनके दो लड़के हैं राजू एंड तौफीक भाई। तो तौफीक भाई ने बहुत सारे आम लाए थे, तो उन्होंने मेरे लिए खास स्पेशली काट कर खाने के लिए कहा। पहला फूड जो कि सबसे पहला मैंने गांव में सीज़न हापुस और पायरी मैंगो गांव में जाके खाई हूँ, तो वही बस मैं वीडियो बनाई और बहुत इंजॉय करके खाई, बहुत ही टेस्टी था। ये पायरी है, देखिए पायरी का कलर अलग होता है, येलो थोड़ा होता है और हापुस जो होता है ऑरेंजिश कलर होता है। ये ओरिजिनल एक नंबर मैंगो है। तो आपके भाई जल्दी से प्लेट हटा लिए, मैं खाऊंगी। तो ऐसी मस्ती चल रही थी, लेकिन बहुत खिलाया मेरे भाई दोनों, राजू भाई तौफीक भाई ने। फिर मैं उनके जो है मॉर्निंग में उनके घर के सामने ग्रीनरी गार्डन बनाया गया था, कुछ मिर्ची के पौधे लगाए थे, टोमेटो के पौधे। तो मैं वही वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि वहीं पे मैं शादी के लिए गई थी। तो ये वहाँ पे उनके घर के सामने उन्होंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, ये बादाम का प्लांट है। तो इसकी स्टोरी ऐसी है क्या, जो मेरे भाई थे छोटे थे तब जाके वो वहाँ जंगल में यहाँ पे आके फोड़ के बादाम खाते थे, तो कुछ बादाम वहाँ रह गए, तो उस वजह से ये झाड़ उग गए हैं, ऐसा उसकी स्टोरी मेरी भाभी बता रही थी। तो ये सब उनके घर के सामने आजू बाजू नींबू के झाड़ है, बादाम के प्लांट है, तो बहुत सारे उन्होंने झाड़ लगाए हैं। ये कुछ फ्लावर्स है अलग अलग, इसको गंधारी कहा जाता है, ये ऑरेंज येलो अलग अलग कलर में होता है। फिर उसके बाद हम फिर से निकल पड़े, जो कि मुझे वहाँ पे घूमना था क्योंकि शादी को टाइम था, तो इसलिए हम लोग ने जो बाइक लेके आए थे टू व्हीलर उसी पे हम थोड़ा घूमने के लिए निकल गए। मार्केट भी गए थे, थोड़ी शॉपिंग बाकी थी और थोड़ा हमारा घूमना भी होगा, जो कि मैंने गार्डन पवन चक्की का आपको वीडियो शेयर की हूँ। उसके बाद हम ये दूसरा वीडियो बनाए थे जहाँ पे हम मार्केट में मेन जाके जो फिश ख़रीदना था वहाँ पे गए थे। तो ये देखिए ये मोड़े लगा रहे हैं, तो ये सब बहुत ही टेस्टी और जो है सी फूड होता है, कैल्शियम वाला होता है, बहुत ही ये होता है, खाते हैं इसको खास जो है सब्जी टाइप में बना के वेजिटेबल्स में, इसके अंदर के चीज़ खाते हैं क्लीन करके, जो कि प्रॉन्स टाइप में होता है पर जूसी होता है, और लेकिन वो बहुत ही अपने बोन्स के लिए कैल्शियम के लिए अच्छा होता है। तो हम लोग गांव वाले हैं, गांव में रहते तो हमें ये चीज़ों की आदत है। फिर उसके बाद हम लोग जो है फिश वगैरह और जो है सिप्पी लेकर निकल गए। फिर आगे हम जब मार्केट से निकल गए, जब मेरे आंटी यानी मेरे खाला मम्मी के बहन के घर जा रहे थे, तो हमें रास्ते में एक पेड़ दिखा,
जिस पे वहाँ पे नीचे बहुत सारे आम गिरे हुए थे, हम वही बाइक रोक दिए और आम जमाना स्टार्ट कर दिए। और बहुत सारे हाथ के नीचे भी ऐसे थे कि जो मेरे हस्बैंड थोड़े टॉल है तो उन्होंने लकड़ी के सहारे गिराकर जो है आम जमा लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गांव जाते हैं तो ये मज़ा आती है, वहाँ के फल के सीज़न के टाइम में जाएंगे तो तोड़ के आपको खाने को मिलता है। तो हम मेन सीज़न में ही गए थे। ये आम वहाँ का लोकल फूड है, मतलब जैसा हापुस नहीं है बट चूसने वाला कहते हैं, जूसी वाला आम होता है तो वही है। तो मैंने ये बाइक पे से उतर के फटाफट हमने वीडियो बना लिए और आम जमाना स्टार्ट कर दिए और माशाल्लाह एक थैली भर गई। फिर हम निकल गए वहाँ से भी आम जमा के। और फिर उसके बाद जो है मैंने मेरे आंटी यानी मेरे अम्मी की सबसे छोटी बहन खाला का घर का व्लॉग बताई हूँ, उनके घर का टूर कराई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट्स करना है। तो यही हमारा लास्ट डे का जो है विलेज का वीडियो है और इसके बाद जो है हम वहाँ से निकल पड़े। हमारा सफ़र जो लास्ट डे था, पैकिंग, वो सब वीडियो में शेयर की हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगा तो याद से लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे इस तरीके से पत्थरों से यानी चीरे का जाता बनाते हैं। यहाँ पे ये सब झाड़ पेड़ है, ये इनकी बाउंड्री है। यहाँ पीछे बर्तन धोने के लिए इस तरीके से गांव में बनाया जाता बट्टा। और यहाँ पे है जैक फ्रूट, इतने सारे जैक फ्रूट। ये खाला का किचन है, यहाँ पे चला है नाश्ता। यहाँ पे पार्टी हो रही है नाश्ते की। और ये देखिए खाला ने ऐसा गांव में बराबर चांदी के जैसा बर्तने लगाते हैं, ऐसा डब्बे है लगा। तो ये देखो यहाँ पे अपरई है, ये इनका किचन है। यहाँ पे इतना बड़ा किचन है, गांव के देखिए घर अच्छे रहते। तो ये मेरे छोटी खाला का घर है। और फिर यहाँ से अभी ये रूम एक है, अभी यहाँ पे नाश्ता चल रहे है। फिर यहाँ पे हॉल है, ये झूला है बच्चे लोग के लिए लगा हुआ। और यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे बाजू में ही और एक घर है उनका, तो दो बने हुए हैं। ये दूसरा यहाँ का हॉल है, यहाँ टीवी है। फिर ये बेडरूम में पलंग है, साफ़ सफाई भी चली है। तो टिपिकल गांव वाला विलेज में जैसे चीरे भर जो पत्थर वाले घर होते वैसे ही है। ये राजू का डॉगी क्या नाम, बूबू, बोबो। ये पाला, ये बोबो यहाँ पे बैठा है, पाला हुआ है मेरे भाई का कुत्ता जो घर की रखवाली करता है। देखिए यहाँ पे टिपिकल आपको पूरा विलेज में ज़्यादातर ऐसे ही घर मिलेंगे जो ये पत्थरों से चीरे से बनाए जाते हैं और इसी पे सीमेंट लगा के प्लास्टर किया जाता है। लेकिन ये इन्होंने पूरा टिपिकल विलेज वाली थीम रखी हुई है, देखिए। और ऊपर जो है कवेलू है, उससे घर को लकड़ियों पे डाल के ढाका गया है। तो अभी ये था आज का टूर व्लॉग मेरे खाला का घर। तो आइए नाश्ता करने के लिए, खाला ने आज बनाया है नाश्ते में हाफ फ्राई। क्या है नाश्ते में, साकरोली, ये साकरोली ऊपर, सांदन नीचे। ये देखिए कोकनी फूड, कोकन का। तो आज ये भी है और ये साकरोली भी है। बस आज यही है नाश्ते में। और ये हमारी यहाँ पैकिंग हो गई है। ये दो बैग लाए थे हमने, दो से तीन बैग थी, खाली कर दी। एक तो गिफ्ट वगैरह था खाने का और अभी लेके जाने के लिए पार्सल। ये किसी ने गिफ्ट दिया है, खालू ने, फिर फुप्पी ने आम, वो सब। अभी एक फनस भी निकाला गया है, उसको रखे है बाहर।
और बस बहुत ही शॉर्ट टाइम है। हम लोग एक आधे दिन के लिए खाला के इधर वन नाइट रुके थे, स्टे किए थे, और अभी जा रहे हैं। हमारी 12 की ट्रेन है। तो ये है मेरे खाला खालू का घर, जो कि आपको विलेज में टिपिकल घर देखने मिलेगा। देखिए, घर के सामने चीकू का पेड़ है, आंगन में आम का है। अगर आपको मेरे खाला का घर और ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो याद से लाइक करना हमारे वीडियो को। और देखिए, ये है उनकी पाली हुई बिल्ली और उसके बच्चे, देखिए दिखाने लगा झूले पे। देखिए, तीन बच्चे हैं। एक नानी के जैसी आँख पे ना, ये अलग दिखता है। ये दो माँ और नानी है इसके। नीचे उतारो, देखती हूँ उसकी माँ ये कर रही है। तो देखिए, उसकी खास रखवाली के लिए बिल्ले ये करते हैं ना, इसलिए उसको खालू ने ऐसा बास्केट में रखे। अभी उसकी माँ आई है फीडिंग कराने। अभी बाहर क्या टूई टूई करके बाहर निकलेंगे। अभी इसका चेक ये हो जाएगा, फिर इसको मम्मी लेके जाने के लिए पार्सल रेडी है। देखिए कितनी बड़ी। अभी ये रामफल ताज़ा ताज़ा देखिए पका है, एकदम रेडी है। तो ये अभी हम लोग जाते जाते ये लास्ट फल जो है खा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। कर देगा या थैंक यू बाय। अब तुमको फोन क्यों आते हैं सब चीजों के? और फिर ये फल फ्रूट खाने के बाद मेरे खालू है, यानी ये सबसे छोटे खाला के हस्बैंड, यानी मेरे सबसे छोटे खालू, उन्होंने मेरे लिए उनके पेड़ पे का जो मैंने दिखाया आपको फनस थे, वो एक निकाल के दिए जो बिग साइज़ में था, उसको ही कैरी बैग में पैक करके जो है इस तरीके से रस्सी से बांध रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रैवल में इजी होगा पकड़ने के लिए। जैक फ्रूट तो आपको पता होगा, उसका ऊपर का जो भाग होता है वो कांटेदार होता है, हाथ में चुभता है, आप उसको पकड़ के ट्रैवल नहीं कर सकते, लेने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए इस तरीके से मेरे खालू जो है कैरी बैग में डाल के बड़े उसको रस्सी से बांध कर दे रहे हैं, ताकि हमको ट्रैवल करना ईजी होगा। और ये जो मेरे सबसे छोटे खालू है, वो बहुत हमें प्यार करते हैं, लड़कियों की जो है बहुत केयर करते हैं, उन्हें लड़की नहीं है बट हमें ही लड़कियां मानते हैं, क्योंकि उनके तीनों ही लड़के हैं, उनको तीन लड़के हैं मेरे खाला को। तो ये सबसे छोटी खाला खालू जो है बहुत हमें प्यार करते हैं। और मेरा बचपन, यानी मैं 8 स्टैंडर्ड से पढ़ने को थी गाँव में, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 5 साल में गांव में थी। तो जब भी वेकेशन होता था तो मैं जब भी टाइम मिलता तो ये छोटे खाला खालू के घर पे आके रुकती ही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, और इसीलिए जब शॉर्ट टाइम था आधे दिन के लिए, हम लोग ये खाला खालू के घर पे आए और वहीं से निकल गए, क्योंकि यहाँ से हमें निकलना था, ट्रैवल करना था, नज़दीक था कनकौली स्टेशन। और बस अभी अब हम सब निकल रहे हैं। अब निकलने के टाइम बुरा तो फील होता है, लेकिन 6 दिन माशाल्लाह इतने अच्छे से सबके साथ हंसते खेलते इंजॉय करते हुए निकले। और मैंने जो जो सब इंजॉय की हूँ, जहाँ जहाँ गई हूँ, सबसे पहले तो मेरे अंकल यानी मामू के घर का कनकौली हरकुल का ब्लॉग आपको 4 दिन तक शेयर की हूँ, जो जो विलेज फूड बनाते थे हम, मेरी मम्मी, मेरी दोनों खालाएँ, बड़ी खाला, छोटी खाला, फिर बच्चे लोग जो जो काम करते थे, जो तैयारियां की हमने वहां पे, वो सब आपको वीडियो शेयर की थी। फिर उसके बाद 2 दिन लास्ट के बच्चे थे तो हम देवगढ़ आए, जहां पे मेरे कज़न साहिल की शादी थी।
उसके इधर हमने दूल्हे की बारात जो जो हमने वीडियो बनाया सब आपको शेयर की। फिर एक दिन जो बचा था लास्ट दिन, तो मैं मेरे पप्पी यानी मेरे पप्पा की बहन के घर गई थी, वहाँ पे मेरे भाइयों ने मुझे आम खिलाए, वहाँ का सीजनल फूड। फिर मेरे खाला के घर आई यानी मेरे अम्मी के छोटी बहन खाला खालू के घर पे, वहाँ पे उन्होंने जो मेहमान नवाजी की, वहाँ से हम तैयारियाँ करके निकल गए। तो सब मैंने जितना भी वीडियो शेयर की मेरे विलेज का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो याद से लाइक करना। तो गाइस हमारी ट्रेन फाइनली आ गई है, वो भी 1.5 घंटा लेट, सीजन है ना। फिर मिलते हैं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।